हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम, आपका फिर से स्वागत है हमारे फोर्थ पार्ट मनी मास्टरी में। और मैं यहां पर आपसे 9 प्रिंसिपल्स के लिए बात करूंगा जो आपको 30 दिन तक इम्प्लीमेंट करना है। तो 30 डेज एक्शन प्लान के लिए तैयार हो जाइए। पहली चीज़ जो होती है हमारी लाइफ में, जो कुछ भी हो रहा है, घट रहा है, वो यहाँ पर थॉट्स आते हैं और थॉट्स पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। जिस तरह के हमारे विचार आएंगे उसी तरह की हमारी फीलिंग्स निकलेंगी और उन्हीं फीलिंग्स के अकॉर्डिंग हम एक्शन लेंगे और उन एक्शन के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट्स मिलेंगे, राइट? तो मेरे थॉट्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं चलता है। अब जिस तरह के थॉट रहेंगे मेरे, उसी तरह की भावनाएं निकलेंगी और उसी भावनाओं में मैं एक्शन लेता हूँ। लॉकडाउन के टाइम पे मेरे दिमाग में थॉट चल रहे थे, यार मेरा, मैं एक कोने में सोफे पे बैठ जाता था और इनर डायलॉग में बात करता था, यार पता नहीं क्या होगा, कैसे चलेगा मेरा काम, क्या होगा क्या नहीं होगा, इस तरह की मैं बातचीत, इनर कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, नेगेटिव थॉट चल रहे हैं मेरे, राइट? और उस नेगेटिव थॉट में मैं एक्शन भी लूंगा तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा। यार दीपाली की सैलरी देना है, वो पूजा सैलरी मांग रही है, सपना सैलरी मांग रही है, क्या करूँ? अरे गुप्ता जी का पेमेंट बाकी था। अरे गुप्ता जी, वो आपका पेमेंट बाकी था, पेमेंट कल चेक डाल दूँ क्या? अरे सलमान भाई, आपको समझ में नहीं आता है, ऑलरेडी दीपाली जी को बोला है मैंने, चेक मत डालो, कहाँ भाग रहा है पैसा, अभी मत डालिए आप। ओके सर। तो मैंने एक्शन लिया, एक्शन में भी रिजल्ट नेगेटिव मिला और वो पैसा नहीं आया मेरा, राइट? तो जिस तरह की फीलिंग रहेगी उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेंगे और उस एक्शन के अकॉर्डिंग हमको रिजल्ट मिलेगा। तो हमें 24/7 मैक्सिमम टाइम इस पॉजिटिव मेंटल स्टेट में रहना है क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे बेहतर रिजल्ट निकाल सकें, राइट? तो अब हमें क्या करना है, जो मैंने किया था, आपके आसपास जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उसको पता चलना चाहिए। तो थॉट किस तरह के आ रहे हैं मुझे नहीं पता चलेगा, पूरे दिन में मुझे 60 से 65 से 70 हज़ार थॉट्स आते हैं, 60 से 70 हज़ार के बीच में विचार आते हैं, थॉट्स आते हैं जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। उसमें पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। जब हम पॉजिटिव थॉट्स में रहते हैं तो हम हाई एनर्जी में रहते हैं, बहुत ज़्यादा पोस्चर हमारा स्ट्रांग रहेगा, हम बहुत ज़्यादा हाई उसमें रहेंगे, एनर्जी में रहेंगे। और जब हम हाई एनर्जी में रहेंगे तो रिजल्ट भी हम अच्छे अचीव करेंगे। और जब हम नेगेटिव थॉट में रहते हैं तो हमारी एनर्जी लो रहती है और लो एनर्जी में रिजल्ट भी लो बहुत नहीं आते हैं बिल्कुल, राइट? तो हमें हाई एनर्जी में रहने के लिए, हाई मेंटल स्टेट में रहने के लिए हमें थॉट्स हमारे पास सही होना ज़रूरी है और ये हमें पता नहीं चलता है। तो आपके आसपास के जो एनवायरनमेंट है, दीवार है, वहाँ पर पोस्टर लगा दो, व्हेन यू फील लो, जब आप लो फील करो तो चेंज योर फिजिकल पोस्चर, आपका फिजिकल पोस्चर को चेंज करो, राइट? तो मैंने क्या किया था उस टाइम पे, कुछ पोस्टर्स बना के लगा दिए थे, चार्ट पेपर्स में कुछ डायग्राम्स ड्रॉ करके लगा दिए थे मैंने और कुछ लिख दिया था, कोट्स लिख दिए थे कि जब आप लो फील करो तो अपने फिजियोलॉजी को चेंज करो। आप लो फील करो तो आप कोने में ऐसे शांत बैठे रहोगे, आप उसी टाइम पे खड़े हो जाओ और उछल कूद करना शुरू कर दो, जॉगिंग करना शुरू कर दो या जंपिंग करना शुरू कर दो, डांस करना शुरू कर दो। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन तेजी से दौड़ेगा और आप हाई एनर्जी में आ जाओगे, हाई वाइब्रेशन में आ जाओगे। ये जो स्टेट था, आप लो बैठे हुए थे, ये स्टेट ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही स्टेट ब्रेक हो जाएगा आपका फोकस वहां से शिफ्ट होकर वो थॉट जुप से निकल जाएगा और जब वो निकलेगा तो उसकी जगह कोई दूसरा थॉट ले लेगा। तो स्टेट को ब्रेक करना जरूरी है। ये कैसे काम करता है मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आपके सर में यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ पे दर्द हो रहा है, आप बोलते हो बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, और ये दर्द और मल्टीप्लाई हो रहा है, और मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हम आइडेक्स बाम जैसे कुछ केमिकल्स लगाते हैं अपने यहाँ पर, जिसके अंदर कोई भी केमिकल इंग्रीडियंट्स नहीं है जो आपके सर के दर्द को ठीक करे। लेकिन जब हम वो बाम लगाते हैं ना माथे पे यहाँ पर, तो बाम क्या करता है, माथे की चमड़ी को जलाता है। मिर्ची लगती है यहाँ पर, आँख से पानी आता है, नाक से पानी आता है, मिर्ची लग रही है, मिर्च मेरा हैंडकरचीफ का, ये सब करते हैं हम लोग, इस तरह से ना फोकस हमारा हटके यहाँ पे आता है, आँख पे आता है, नाक पे आता है, सर से हम फोकस हटाते हैं और सर का दर्द ऑटोमेटिक भाग जाता है, राइट? तो फोकस शिफ्ट होना जरूरी है। उसी तरह जब आप उछल कूद करते हो आपका फोकस शिफ्ट हो जाता है, तो फोकस शिफ्ट करना जरूरी है, राइट? अंदर जो चल रहा है बाहर वही मिलेगा। अंदर से हारे हुए हो तो बाहर ग्राउंड पे तो हारोगे, तो अंदर से जीतना जरूरी है, इसलिए आपको वो स्टेट ब्रेक करना जरूरी है। तो थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शन, रिजल्ट्स, राइट? तो अपने थॉट को चेंज करने के लिए अपनी फिजियोलॉजी को चेंज करना पड़ेगा आपको। फिजियोलॉजी को चेंज करोगे अंदर का वातावरण ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, क्लियर है? तो ये पहला प्रिंसिपल है, आपको अवेयर कर रहना है, जब भी आप लो फील करोगे इसको चेंज करोगे। आस पास ऑफिस में सब जगह घर पे इस तरह के पोस्टर्स लगा दो ताकि आपको पता चल सके। सेकेंड प्रिंसिपल आता है अलाइनमेंट विद मनी। मैं मेरे सेमिनार में बोलता हूँ लोगों को, आपका एक हाथ ऐसे करके, एक हाथ ऐसे करके और एक पैर हवा में करके, एक टांग पे अगर मैं खड़ा करता हूँ पूरा दिन, चलेगा? थोड़ी देर का दो नहीं कर पाते हैं। मैं बोलता हूँ अगर मैं पूरा दिन 3 दिन तक आपको ऐसा करूँ तो आप करोगे तो शायद सेकेंड डे, थर्ड डे वो आना बंद कर दे। सेकेंड डे में कुछ लोग गायब हो जाएंगे, थर्ड डे में बाकी सब गायब हो जाएंगे, राइट? क्योंकि वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं। सेम मनी, जो रोकड़ा, जो पैसा हमारे पास आ रहा है,
हमने उसको ये पॉकेट में अलग अलग पॉकेट में दबा के रखा है और वो ऐसे मुड़ा हुआ रहता है, उसका एक कोना यहाँ से मुड़ा हुआ, एक कोना यहाँ से मुड़ा हुआ, गुचर गुचर करके अलग अलग पॉकेट में दबा के रखा हुआ है, उसको भी मज़ा नहीं आ रहा है। और जब वो कंफर्टेबल फील नहीं करेगी तो क्या वो हमारे पास वापस आना पसंद करेगी? डेफिनेटली आना पसंद नहीं करेगी, राइट? वो आना पसंद नहीं करेगी, राइट? तो हमें क्या करना है, मनी जब भी हमारे पास आएगा उसको ऑर्गेनाइज करना है, उसके कोने सीधे करना है, पहले 2000 का नोट फिर 500 का नोट ऑर्गेनाइज करके उसको प्रॉपरली हमको अलाइन करके एक बढ़िया सी जगह होना चाहिए, आपके पास एक वॉलेट होना चाहिए, उस वॉलेट में आप मनी को रखोगे, राइट? पहले के जो बिजनेस ओनर्स होते थे, धंधे वाले होते थे, वो क्या करते थे, धंधे से पहले गल्ला लाते थे लकड़ी का, कैश बॉक्स लाते थे, और वो कैश बॉक्स ऑर्गेनाइज होता था, 1000 के लिए उसके पास एक जगह होती थी, 500 के लिए अलग जगह होती थी, 100 के लिए अलग जगह होती थी, 10 20 50 के नोट के लिए अलग जगह होती थी और कॉइन्स के लिए अलग होती थी। फिर ज़माना बदला, मॉल सिस्टम्स आ गए और वहाँ पर डिजिटल कुछ काउंटर्स आ गए, इस तरह के बटन दबाते हैं काउंटर खुलता है, यहाँ पर भी देखोगे आप ऑर्गेनाइज होता है, मॉल में जाके देखना 2000 के लिए अलग जगह है, 500 के लिए अलग है, 100 के लिए अलग है, कॉइन्स के लिए अलग है, मनी को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं और हम अनऑर्गेनाइज करके यहाँ वहाँ रखते हैं। जिस चीज़ को अपनी लाइफ में चाहते हो उसकी आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, उसको प्यार करना पड़ेगा, उसको ऑर्गेनाइज करके रखना पड़ेगा, और जब आप उसका ध्यान रखते हो, मनी को अच्छा लगता है, लक्ष्मी को अच्छा लगता है, लक्ष्मी आपके पास आना पसंद करती है, राइट? तो मनी की इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो, उसको ऑर्गेनाइज करके रखो, इसी को बोलते हैं, प्रिंसिपल को बोलते हैं हम अलाइन विद मनी। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है डिस्टिंग्विश करना है हमको रियल में और अनरियल में। ये रियल वर्ड है, रियलिटी में क्या हुआ, मैं आप ऐसे सामने से आ रहा था और आपको मैंने ऐसे हाथ दिखाया और आपने देख के भी ऐसा मुंडी नीचे करके चले गए आप, राइट? तो आपने मेरी तरफ देख के नज़र झुका ली और उसी टाइम पे रियल मीटिंग में क्या हुआ, मैंने हाथ दिखाया और आपने देख के चले गए, मतलब इस तरह से उसी टाइम पे मेरी कहानी बनती है, कहानी यहाँ पे बनती है अनरियल वर्ड में। ये एक रियल वर्ड था, आपको हाथ दिखाया चले गए, ये अनरियल वर्ड में कहानी बनती है, पहली कहानी बनेगी यहाँ पर कि मैंने आपको हाथ दिखाया तो आपको शायद अब एटीट्यूड आ गया है और आप मुझे अब पसंद नहीं करना करते, अब आपको मेरी ज़रूरत नहीं है, आप मुझे अवॉइड करना चाह रहे हैं, आप मुझसे जलते हैं, ये इनर वॉइस में कहानी बनना शुरू हो जाएगी और इस कहानी के चक्कर में हम रियलिटी को छोड़ देते हैं और अनरियल में डील करते हैं और यहां से हम अपना बहुत सारा नुकसान करते हैं। हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है 10% घटना है और 90% हम जिस पर रिएक्ट करते हैं उसका रिजल्ट है, और रिएक्ट हम कहां से करते हैं, अनरियल वर्ड से करते हैं, रियलिटी से नहीं करते हैं, हमारे इनर वॉइस ने जो कहानी बनाई उसे डील करते हैं। मैंने क्लाइंट को बोला पेमेंट के लिए, आज वो करने वाला था, उसने नहीं किया, इमीडिएट कहानी बनना शुरू हो जाएगी, शायद वो डिले कर रहा है और ऑटोमेटिक मैं कुछ ना कुछ ऐसे एक्शन ले लूंगा, जो डील होने वाली थी वो निकल जाएगी मेरे हाथ से, राइट? आज आने वाला था, नहीं आया, क्यों नहीं आया, शायद कहीं और से ले लिया माल, ऐसे बहुत सारी कहानी बनेगी, ऐसे कर करके कहानी बना बना के हमने बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ से कट कर दिया है। तो ये आपको सजेशन देगा, ये चलते रहता है 24/7, रुकेगा नहीं, चलते रहेगा, चिक 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 चलते रहेगा, वो मेरी तरफ क्यों दिख रही है, मेरे बारे में बात चल रही है मीडिया में, शायद मेरे बारे में बात चल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मेरे बारे में क्यों बोल रहा है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये इतना चलता है। इसको शांत करने के लिए लोगों ने गोली मार के उड़ा दिया या फांसी पे लटक गए, अभी लास्ट ईयर की बात है, लॉकडाउन में एक सेलिब्रिटी लटक गया, आपको पता है, राइट? उसमें कितना मीडिया में बवाल मचा, ये शांत करने के चक्कर में लोगों ने इसको उड़ा दिया है, ये शांत होने वाला नहीं है, चंदनवाड़ी में जाके शांत होगा, राइट? इसके ऊपर नहीं चलना है, ये सजेशन देगा, उसको बोलना है थैंक यू वेरी मच फॉर योर सजेशन, अब मेरे को रियलिटी में डील करना है। समझ में आ रहा है? तो डिस्टिंग्विश करना है, रियलिटी क्या है, रियलिटी का मतलब यह है मैं आपके सामने से गया, मैंने आपको हाथ दिखाया और आपने देखा नीचे देखे चले गए और मेरे दिमाग ने कहानी बनाया, अब आप मुझसे जलते हैं, घमंड करते हैं, मुझे पसंद नहीं करते हैं, ये कहानी बनी। और एक कहानी ये हो सकती है कि शायद आप अपनी धुन में थे, आपके दिमाग में कुछ चल रहा था, आपने देखा लेकिन देख के भी आपका ध्यान नहीं गया, ये भी कहानी हो सकती है। कौन सी कहानी सही है, ये सही है, ये सही है, बोथ द आर स्टोरीज, बोथ आर कहानी, कहानी इस कहानी, कहानी में कोई सच्चाई नहीं है, ये दोनों ही झूठ है, मेरे को रियलिटी में डील करना है, क्लियर है? तो आज के बाद से व्हाट हैपेंड में डील करना है, अगर मैं कैमरा लगाऊंगा तो क्या दिखेगा, और मेरे को उस कहानी में नहीं जाना है, राइट? अगला प्रिंसिपल जो आता है हमारा, वो आता है गिफ्ट प्रिंसिपल। यूनिवर्स से आपको जो चाहिए पहले आपको वो देना पड़ेगा, अगर आप प्यार चाहते हो तो लोगों को प्यार देना पड़ेगा, खुशी चाहते हो खुशी देना पड़ेगी, और अगर आप मनी चाहते हो तो लोगों को मनी देना पड़ेगी, आपको चैरिटी करना पड़ेगी, राइट? और ये प्रिंसिपल है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2012 का प्रिंसिपल है, 2012 में मैंने इसको एक्सपीरियंस किया था, जब मैं एज ए प्रोफेसर यूनिवर्सिटी के लिए काम कर रहा था, उसी टाइम पे मेरा डिस्टेंस एजुकेशन का सेंटर चलता था, थाना स्टेशन के पास हमारा ऑफिस था, और ये ऑफिस शाजिया करके लड़की थी वो संभालती थी, मेरी एग्जीक्यूटिव थी वो बिजनेस संभालती थी, और मैं सेशन लेक्चर लेने के लिए यूनिवर्सिटी जाता था, फिर ऑफिस भी आता था। उसी दौरान उससे कुछ महीने पहले
2011 में नवंबर में मेरा एक फ्रेंड था, उससे मेरा बातचीत हुई और वो एक बिज़नेस करता था। उसने मेरे को बोला, सलमान तू मेरे बिज़नेस में पैसा लगा, बिल्डिंग मटेरियल का उसका बिज़नेस था, तो मेरे बिज़नेस में तू पैसा लगा, जो भी रिटर्न आएगा दे दूंगा मैं तेरे को। तो मुझे गाड़ी वगैरह आती है उसके लिए लगता है अर्जेंट में पैसा। बोला ठीक है, अच्छी बात है, करते हैं। और ये हमारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुआ, जो बैंक में पैसा है उससे अगर अच्छा मिल रहा है, मतलब क्या हर्जे करने में, क्या प्रॉब्लम है, अच्छी बात है। तो उसको पैसा लगता था, मैं उसको देता था, कैश ट्रांसफ़र करता था उसके अकाउंट में, या उसको देता था मैं निकाल के हार्ड कैश। बाद में कुछ महीने में वो रिटर्न देता था मुझे अच्छी तरह से सारी चीज़ें। 2012 फरवरी की बात है, मैं दिल्ली मेरे एक रिलेटिव की शादी में गया था और उसी दिन मेरे को कॉल आता है 12 फरवरी को, मेरे फ्रेंड का कुछ दिन पहले गया था, लेकिन 12 फरवरी के दिन उसको कॉल आता है मेरे को, बोलते सलमान किधर है? बोला मैं तो दिल्ली में हूँ। बोला कभी आ रहा है? बोला मैं तो 20 तारीख को आऊँगा। बोला नहीं जल्दी आ। बोला क्यों, क्या हुआ? बोला 16 तारीख को एक पार्टी है, उसको पेमेंट की लगेगी, मेरे को अर्जेंट पेमेंट चाहिए और 1.5 लाख रुपये चाहिए, जुगाड़ करना है अपने को। बोला ठीक है, हो जाएगा। उस टाइम पर मेरे को नहीं पता था, राइट नाउ मेरे पास 1.5 लाख कैश अवेलेबल है या नहीं है। मैंने बोल दिया हो जाएगा। कैसे होगा? जैसे 9 महीने के प्रोसेस में मैं हुआ हूँ, उसी तरह से ये चीज़ें हो जाएंगी, जो मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था वीडियो में, राइट? तो मैंने कहा ये हो जाएगा, ठीक है। और उससे बात करके फिर मैं मेरे ऑफिस में कॉल करता हूँ शाजिया को, और शाजिया को बोलता हूँ, शाजिया मेरा रीशेड्यूल कर, आज या कल का मेरा टिकट का कर, आज या कल में मुझे आना है कैसे भी करके। ठीक है बोली। और वो नेक्स्ट डे का मेरा आने का करती है टिकट। 13 तारीख को मैं मुंबई पहुंच जाता हूं, शाम में मैं घर पहुंचता हूं थाना में। 14 तारीख को मैं सुबह में अपने ऑफिस पहुंचता हूं, 10:15 बजे पहुंच जाता हूं मैं। 10:15 बजे 10:30 बजे शाजिया आती है, 10:30 से लेके हम 11 बजे तक बैठ के बात करते हैं शाजिया और मैं, पूछते हैं सारी चीज़ें क्या चल रहा है कैसा। फिर मैं उसको बोलता हूं, शाजिया अपने अकाउंट में कितना पैसा है? और बोलती है, सर अभी अपने अकाउंट में 35,000 है। मतलब 35 नहीं चलेगा, अपने को 1.5 लाख रुपये चाहिए, 1.5 लाख का जुगाड़ करना है। वो बोलती सर 1.5 लाख तो भूल जाओ, कहीं से नहीं आने वाला है, मैंने ऑलरेडी सब फॉलोअप करके रखा है, जो भी पेमेंट आएगा वो नेक्स्ट वीक के बाद आएगा, लोगों ने डेट दिया है, आप आज छोड़ो पूरे हफ्ते में नहीं आने वाला है, जो भी आएगा नेक्स्ट वीक से आएगा पेमेंट, मैंने ऑलरेडी फॉलोअप करके रखा है। और मैं बोलता नहीं शादी पेमेंट आएगा, पैसे आएंगे। और ये बोल के मैं अपने ऑफिस से उतर जाता हूँ, 2nd फ्लोर पर मेरा ऑफिस था। और थाना स्टेशन पर, अगर आप थाना से बिलोंग करते हो तो आपको पता होगा, थाना स्टेशन जब पुष्पक जो होटल था उसी बिल्डिंग में 2nd फ्लोर पर हमारा ऑफिस था, वहाँ से उतर के जब आप स्टेशन की तरफ जाते हैं, बीच में एक सर्कल आता है, ये साइड में एक VIP का शोरूम है और ये साइड में एक आलोक होटल है। तो ये सर्कल पे जब बस और रिक्शा रुकते हैं, लोग उतरते हैं, तो मांगने वाले लोग आते हैं पैसे मांगने के लिए, ज़रूरतमंद लोग। तो वो स्पॉट मेरे को पता था, मैं वहाँ गया, मैंने मेरा वॉलेट निकाला और सारे पैसे मैंने लोगों में बांट दिए। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद लगा उसको मैंने 1,000 का नोट दिया, उससे कम वाले को 500 का दिया, 100 का दिया, 50, 20, 10, इवन कॉइन, पूरा पर्स मैंने खाली कर दिया। यूनिवर्स का लॉ मुझे पता था, दोगे वही पाओगे, एक दोगे मल्टीप्लाई निकल के तुम्हें रिटर्न मिलेगा तुमको। और मैं बहुत अच्छी फीलिंग के साथ और अच्छा महसूस कर रहा था, मैंने पूरा पर्स खाली कर दिया। उसके बाद मैं खाना खाने के लिए मैकडोनल्ड में चला गया, आलोक के सामने मैकडी में गया, मैं आलू टिक्की बर्गर और कोक लिया, मैंने खाया, टाइम पास जो भी हुआ मेरा, क्योंकि उस टाइम पे मैं अकेला था, फैमिली वाले तो वहीं थे, दिल्ली में थे। उसके बाद मैं सामने ही मैकडोनल्ड की एक दुकान है पुनमिया स्टोल करके, पुनमिया सील एंड अप्लायंसेस, ये मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड की दुकान है, मैं इसकी दुकान पे गया, बहरूलाल की दुकान है, वहाँ पर मैं बैठा चाय वगैरह पी, हमने काफ़ी टाइम बात की, पुरानी बातें निकाली सब वैसा। करीब 2:30-3 बजे मैं उसकी दुकान से निकला और उसके बाद फिर मैं 2:15-3 बजे अपने ऑफिस पहुँचा। जैसे ही मैं ऑफिस पहुँचता हूँ, शादिया मेरे को बोलती है, सर अपना एक क्लाइंट था फहीम सैयद करके, मालूम है? बोला हाँ मालूम है, वो अपना NRI क्लाइंट। बोला हाँ। बोले वो आया था, वो अपना कतर वाला जो था ना, आपको बोलता था पैसे मैं डायरेक्ट दूंगा, कैश दूंगा, मैं ट्रांसफर नहीं करूंगा, यहाँ से जब भी आऊँगा कैश लेकर आऊँगा। सर पता नहीं कहाँ से वो आने वाला था, लेकिन आज अभी आएगा ये नहीं पता था, आपके जाने के थोड़ी देर के बाद ही वो आया और वो 2.5 लाख रुपये देकर गया, उसको BTech कोर्स करना है, मुझे 1.5 लाख रुपये चाहिए, 2.5 लाख रुपये देकर दिया उसने। और मैं तुरंत उसको फ़ोन किया मेरे फ्रेंड को, मैंने देख पैसे का जुगाड़ हो गया, तेरे को 16 को चाहिए था, शाम में मिल, शाम में देता हूँ मैं। जब आप बोलते हो ना कि हो जाएगा, उस इंटेंशन से बोलते हो जो मैंने पार्ट 1 बात की, और वहाँ से आप बात करते हो, वो कायनात जो है ना वो आपके लिए काम करती है। जब आप देते हो ना किसी को अच्छी फीलिंग के साथ, वो कायनात आपको मल्टीप्लाई करके कहीं से भी अपॉर्चुनिटी लेकर आएगी और वो देगी। आपको सोचना नहीं है कहाँ से होगा कैसे होगा, आप ये करो और ये चीज़ें आपके पास आएगी। लेकिन आप दे रहे हो और अंदर से रो रहे हो, अरे मैंने पैसे दे दिए, 1800 रुपये दे दिए, 1850 रुपये दे दिए, तो मत दो भाई मेरे, अगर रो रो के दे रहे हो तो मत दो। अच्छा फील करना है, इंटेंशन आपकी, फीलिंग किस तरह की, भावनाएं किस तरह की है, आपको अच्छा महसूस होना चाहिए और ये करते हो रिटर्न में आपको चीज़ें मिलती हैं, राइट? तो इस प्रिंसिपल पे आपको काम करना है। 6th प्रिंसिपल जो है वो है स्टार्ट डे विथ प्रेयर। सुबह जैसे ही आपकी आँख खुलेगी तो आपको क्या करना है, प्रार्थना के साथ शुरुआत करनी है। थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी न्यू डे, भगवान तेरा शुक्रिया कि तूने मुझे आज का दिन दिया, आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है।
परमात्मा को हर एक चीज के लिए आप अप्रिशिएट कर रहे हो, थैंक्स कर रहे हो, थैंक्स कर रहे हो, ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, और फिर आने वाला दिन भी आपका अच्छी उस भावनाओं में गुजरने वाला है। ये क्यों करना है? क्योंकि 24/7 हम किसी ना किसी वाइब्रेशन के साथ कनेक्टेड होते हैं और वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी दिखाई नहीं देती है। यहां मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं इस रूम में, और इस रूम में भी वाइब्रेशन है, दिखाई नहीं दे रही है, राइट? लेकिन मैं एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर आऊंगा डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, और उसको ट्यून करता हूं मैं 92.3, और अचानक 92.3 पे आपको आवाजें सुनाई देने लगेंगी। रेडियो मिर्ची 92.3 आपका स्वागत करता है, लीजिए सुनते हैं हनी सिंह का नया गाना, और वो गाना बजने लगेगा, राइट? ओ सैया जी, कोई भी गाना बजने लगेगा, राइट? वो आवाजें आने लगेंगी। वो आवाजें इस रूम में थी, दिखाई नहीं दे रही थी, जब ट्यून किया तो बजने लगी, राइट? तो हम किसी ना किसी फ्रिक्वेंसी से कनेक्ट रहते हैं, और वो जिससे कनेक्ट रहते हैं वही हमारी लाइफ में बजता है। आज तो धंधा नहीं होगा, धंधा नहीं हो रहा, आज वो बंदा नहीं आएगा, नहीं आएगा, आज पेमेंट, आज चेक उसका बाउंस नहीं हो जाए, चेक बाउंस हो जाता है। हम किसी ना किसी वाइब्रेशन से कनेक्ट रहते हैं, उठते के साथ ही हम किसी फ्रिक्वेंसी से ट्यून हो जाते हैं। उठ के क्या करते हैं? मोबाइल देखते हैं, सर चेक मत डालना, वहीं पर हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, राइट? आज वापस से वही सड़ा देना है। तो आपको शुरुआत कैसे करनी है? हर एक चीज के लिए ग्रेटिट्यूड करना है, थैंक यू करना है उस यूनिवर्स को, उस परमात्मा को, उस भगवान को, उस अल्लाह को, उस खुदा को, हर एक चीज़ के लिए आपको थैंक यू करना है जिसको आप बिलीव करते हो। अपनी लाइफ के लिए थैंक्स करना है कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी है। कितने लोगों के पास ये लाइफ नहीं है? लॉकडाउन में लोग चल चल के जा रहे थे, आपने देखा था, आपके पास तो घर है, लोगों के पास रहने के लिए ठीक से घर नहीं है, खाना पीना नहीं है, आपको दो टाइम तीन टाइम का खाना मिल रहा है, लोगों को एक ही टाइम का मिल रहा है, कुछ लोगों को वो भी नहीं मिल रहा है। हर एक चीज़ के लिए थैंक्स थैंक्स ग्रेटिट्यूड मोड में रहोगे ना, तो आप वेलकम कर रहे हो, रिसीव के लिए आप वेलकम कर रहे हो चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली है। तो प्रार्थना से दिन की शुरुआत करनी है। नेक्स्ट प्रिंसिपल, सिक्स प्रिंसिपल है, टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, मुझे ब्लेम गेम नहीं खेलना है, राइट? अगर आप ब्लेम करते हो तो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया, आपने अपनी गाड़ी का स्टेयरिंग किसी और के हाथ में दे दिया, और किसी और के हाथ में दे दिया तो कहीं भी लेके जाएगा। आप जो कुछ भी हो, जहां कुछ भी हो, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी वजह से हो। तो ब्लेम करना छोड़ दो, जिन लोगों को अब तक क्रिटिसाइज करते आए हो उन सबको माफ कर दो, और अपनी गाड़ी का स्टेयरिंग अपने हाथ में ले लो, और फिर इस गाड़ी को सही रास्ते पर चलाओ, राइट? अगर आप ब्लेम करते हो किसी भी चीज के लिए तो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दो, ठीक है? नेक्स्ट चीज आती है, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। हम जिन लोगों के साथ बैठते उठते हैं हम वैसे बन जाते हैं। मैं किन पांच लोगों में बैठता हूं मैं उसी का परिणाम हूं, राइट? अगर आप अपने रूम के अंदर सबसे शाने इंसान हो, सबसे ऊंचे आदमी हो, सबसे अमीर आदमी हो, तो आप गलत कमरे में हो, दूसरा कमरा बदलो, राइट? तो आपकी संगत सही होना चाहिए, आपके रूम में आपके आसपास के लोग जो है वो आपसे तेज होना चाहिए, राइट? और वो अगर आपसे तेज है तो डेफिनेटली आप सही जगह पर हो। तो अपने से हमेशा ये सर्कल में रहना है, ये सर्कल में, ये सर्कल में नहीं रहना है। पॉजिटिव लोगों के साथ में रहना है, सक्सेसफुल लोगों के साथ में रहना है, क्योंकि जिन लोगों के साथ में रहता हूँ, जिन लोगों के साथ उठता बैठता हूँ, उन्हीं लोगों की तरह मैं बन जाता हूँ। अगर आप अठन्नी चवन्नी में काम करो तो अठन्नी चवन्नी बन जाओगे, ये इसमें काम करो तो इनकी तरह बनोगे, और प्रीमियम सेगमेंट में काम करोगे तो ऑटोमेटिक आप भी उसी की तरह बनना शुरू हो जाओगे। तो हमेशा अपना हायर वैल्यू में काम करना है अपने को, क्लियर है? नेक्स्ट प्रिंसिपल है मेडिटेशन। 30 मिनट्स आपको डेली सुबह उठने के बाद मेडिटेशन करना है, रात को मेडिटेशन करना है, आंख बंद करके बैठना है और अपनी डीप ब्रीथ इन आउट करना है, अपनी बॉडी को पूरा शांत करना है और फोकस करना है जो भी आप लाइफ में चाहते हो। इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है, आप एफर्मेशन का एक प्रोग्राम रिकॉर्ड करो, पॉजिटिव एफर्मेशन रिकॉर्ड करो अपनी वॉइस में, और फिर अपने ड्रीम्स की बात करो, परमात्मा को बोलो मैंने ये अचीव कर लिया है, तू देने वाला है, तू रास्ते खोलेगा, इस तरह का रिकॉर्ड करो। ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन प्रोग्राम बिक रहे हैं एफर्मेशन अबंडेंस के, लेकिन मैं चाहता हूँ अपनी आवाज़ में आप रिकॉर्ड करो, एक मोबाइल में सॉफ्ट मेडिटेशन म्यूजिक चालू करो, सॉफ्ट मेडिटेशन म्यूजिक चालू करो एक मोबाइल में, और दूसरे मोबाइल में आप क्या करोगे, एफर्मेशन अपना बोलना शुरू करो, म्यूजिक के साथ रिकॉर्ड होगा वो, और फिर उसको कान में लगा के सुनना शुरू करो, और जब आप ये सुनना शुरू करोगे वो ऑटोमेटिक आपके प्रोग्राम होना शुरू हो जाएगा, वो प्रोग्राम होना शुरू हो जाएगा, और अब वो कुछ ही दिन में आपके दिमाग में आइडियाज आना शुरू हो जाएंगे और आप उस पर एक्शन लोगे, क्लियर है? नेक्स्ट प्रिंसिपल जो आता है, जो मैं अक्सर करता हूँ, जब भी आपका फाइनेंशियली क्राइसिस में चल रहे हो कुछ मोटिवेशनल सॉन्ग सुन सकते हो। मुझे याद है जब भी मुझ पर फाइनेंशियली त्रासदी कुछ क्राइसिस आए हैं तब मैं ये सॉन्ग अक्सर सुनता हूँ, और ये बहुत पुराना सॉन्ग है, मुझे नहीं पता आपको पसंद आएगा नहीं पसंद आएगा, लेकिन इसके वर्डिंग बहुत पावरफुल है। रात भर का है महिमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, रात जितनी भी संगीन होगी सुबह उतनी ही रंगीन होगी,
गम ना कर कर है बादल घनेरा, किसके रुके रुका है सवेरा। मतलब रात जितनी भी संगीन होगी ना, या टाइम जितना भी संगीन है, कल तो सुबह आने वाली है, राइट, किसके रोके रुका है सवेरा। और ये मुझे इंस्पायर करता है कि यार मेरे सामने लाइफ में बड़ी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, और कुछ ही दिन में या नेक्स्ट डे कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज में मेरी लाइफ में देखता हूँ मैं। एक और सॉन्ग है जो मैं सुनता हूँ, वो इस तरह से है, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया तेरे आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी बढ़नी। तो इस तरह के कुछ पॉजिटिव सॉन्ग सुनो जो आपको इंस्पायर करके रखे, मोटिवेट करके रखे, और ये फ्रिक्वेंसी भी रह सके आप, राइट। ये जो वीडियोस मैंने बनाया, इससे आपकी लाइफ में अनबिलीवेबल रिजल्ट्स आएंगे। बहुत सिंपल सिंपल छोटी छोटी बातें बताइए, अब आपका काम है इन सारी चीज़ों को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना। और जब आप ये करोगे, ऑटोमेटिक आपकी लाइफ में मिरेकल दिखाई देंगे, राइट, और आप अपनी लाइफ एक बेटर वर्जन बनते जाओगे, खुद ही अपने आप को इम्प्रूव करते जाओगे, बेटर वर्जन बनोगे, राइट। नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे जो हमारा सफल टीम बिल्डिंग, हमें बिजनेस करने के लिए हमें बहुत सारा आइडिया मिल गया, माइंड सेट पर हमने काम कर लिया, आगे वाले वीडियोज़ में देखेंगे हम टीम कैसे बिल्ड करें। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।